हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संस्कार वुमेन ट्रेंड्स। आज का वीडियो है ये पतली सी और ये भी डोरी, इसे किस तरह से बनाएंगे ये बताया आज हमने वीडियो में। इस तरह से और ये भी डोरी बनाना हर किसी को नहीं आता है प्रॉपर तरीके से। अगर आप इस तरह से डोरी बनाना सीख गए तो आप कई तरह के डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, क्योंकि डोरी से कई तरह के डिज़ाइन भी डाले जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसके लिए ये मैंने बचा हुआ फैब्रिक लिया है, इसमें से हम इस तरह से और ये भी स्ट्रिप निकालेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसमें से सिर्फ 2 स्ट्रिप निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबी डोरी की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें से लूप बनाऊँगी अपनी कुर्ती में लगाने के लिए, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। स्ट्रिप कट करने के बाद अब हम इन्हें ज्वाइंट करेंगे। इसको हमें इस तरह से ज्वाइंट नहीं करना है, एक दूसरे के अपोजिट रखना है और इसको यहाँ पर स्टिच करना है। ये रहा हमारा ज्वाइंट। जॉइंट को मैं दूसरी बार और स्टिच करूँगी, जिससे कि इसकी सिलाई जो है वो मज़बूत हो जाए और खुलने का डर नहीं रहेगा। तो ये हमारी स्ट्रिप जॉइंट हो गई है। इसे इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ से स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे जितनी भी लंबी हमारी डोरी है, और मैं फिंगर से इस तरह से दबाते हुए इसको स्टिच कर रही हूँ, जिससे कि मुझे पता चले कि हमारी जो सिलाई है वो इक्वल आ रही है या नहीं। अगर हमारी सिलाई बराबर नहीं आई तो हमारी डोरी भी बराबर नहीं आएगी। स्ट्रेट सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसे इस तरह से निकाल दूंगी, जिससे कि इसे सीधा करने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, अब आता है हमारा मेन पॉइंट कि इसे सीधा कैसे किया जाए। उसके लिए मैंने ये लिए एक मशीन वाली निडल, जो हम मशीन में यूज़ करते हैं। जो निडल आपका ख़राब हो जाए, जैसे कि आपकी निडल का पॉइंट ख़राब हो गया है, तो आप उसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं धागे को इस तरह से डबल करूँगी और जो निडल की आई होती है हम उसके अंदर डालेंगे। निडल का नंबर मैटर नहीं करता, आप कोई से नंबर की निडल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ये वेस्ट वाली निडल है, तो आप इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। थ्रेड को डालने के बाद फिर हम इस तरह से नॉट लगा देंगे। अब हमारा जो थ्रेड है वो 4 लेयर्स हो चुका है, जो कि काफ़ी मज़बूत हो गया है। इसे हम अपनी डोरी सीधी करेंगे। अब हम डोरी को लेंगे और इसकी आई की तरफ से जो हमारी निडल का पॉइंट है उसे इस तरह से डालेंगे। जब हमने सिलाई लगाई है वहाँ उस जगह पर हम इसको डालेंगे और इस तरह से धागे को हम फंसा लेंगे, जिससे कि हमारा धागा ना निकले डोरी सीधी करते टाइम पर। अब जो निडल का जो बैक साइड है, जिसे हम बट कहते हैं, उस साइड से हम निडल को डालना स्टार्ट कर रहे हैं डोरी के अंदर। जब हम बट वाली साइड से इसको डालेंगे तो फ्रेंड्स, आपका कोई सा भी फैब्रिक हो, आप बड़ी ही आसानी से इसे सीधा कर सकते हैं डोरी। क्योंकि अगर हम पॉइंट की तरफ से डालते हैं तो हमारा पॉइंट अक्सर हमारे फैब्रिक में अटक जाता है, जिससे डोरी सीधी नहीं होती है। ये रहा हमारी निडल का बैक साइड, इस तरह से निकल आएगा, और ये रहा हमारा पॉइंट। अब मैं फैब्रिक को नीचे की तरफ से खींचूँगी कुछ इस तरह से, और धीरे धीरे करके हम अपनी डोरी को सीधा करेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से सीधी हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। इस वाली ट्रिक को आप ज़रूर यूज़ करें और मेरे साथ शेयर करें। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी। डोरी हमारी बहुत ही पतली है और बहुत ही आसानी से सीधी हो गई है। और भी इस तरह की ट्रिक आपके लिए लेकर आती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।